That's my best friend. हेलो गाइस, कैसे हो सभी। स्वागत है गाइस सभी का हमारे चैनल कैजुअल गेमिंग की एक और बिल्कुल नई वीडियो में। गाइस आई नो यार, मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ अभी यूट्यूब पे। हफ्ते में दो या तीन ही वीडियो आ रही हैं, वो यार किसी रीज़न की वजह से ही आ रही हैं। मैं बेंगलोर से लखनऊ, लखनऊ से वापस बेंगलोर, एग्ज़ाम्स के लिए अभी आया और गाइस थोड़ा बहुत बिजी था इसके बीच में। लेकिन अब यार ट्राई मैं करूँगा ज़रूर कि आपके लिए एटलीस्ट यार एक दिन में नहीं तो दो दिन में वीडियो आती रहे, ठीक है। ट्राई ज़रूर करूँगा यार अपनी तरफ से। फिलहाल गाइस आज की वीडियो की अगर बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं मार्च और अप्रैल के आने वाले एलाइट पासेस के बारे में। कंफर्म आपको दिखाने वाला हूं कि इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है। इसके साथ कोबरा की कोलैबोरेशन के बारे में बात करेंगे और गाइस बताएंगे आपको फ्री फायर और अटैक ऑन टाइटन जो कि एनिमे सीरीज है जापान की, उसकी कोलैबोरेशन के बारे में कि उसमें आपको क्या क्या रिवॉर्ड्स वगैरह देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ गाइस वैलेंटाइन के आने वाले इवेंट्स की बात करेंगे, कौन से बंडल आपको मिलेंगे, कौन से इमोट मिलने वाले हैं और आने वाली बिल्कुल नई इवोल्यूशन MP40 के बारे में आपको बताने वाले हैं स्काइलर के एक बिल्कुल नए कैरेक्टर और बंडल के साथ। इसके साथ गाइस आपको एक डाउट भी क्लियर करने वाला हूं जो कि आप लोगों में से बहुत लोगों का है एशियन स्कार्फ को लेके। तो इस वीडियो को यार पूरा जरूर देखना, लाइक मार देना गाइस। लाइक टारगेट 25,000 लाइक्स करेगा जैसे हर वीडियो पर रहता है। 5 दिन बाद ये वीडियो आ रही है तो देखता हूं यार रिटेंशन कम रहता है कि ज्यादा रहता है, लेकिन आई होप कि आप लोगों में से जो भी देख रहे हो यार जाके आप भी लाइक मारा होगे और सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना तो मत ही भूलना यार, वरना सब्सक्राइब करने का कोई भी फायदा नहीं होगा और आप भी हमारे डेड ऑडियंस में शामिल हो जाओगे यार सब्सक्राइब करते ही। तो प्लीज बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना और शेयर कर देना, 1 मिलियन के बहुत करीब है। तो आई होप यार आप लोग भी चाह रहे होगे कि 1 मिलियन कंप्लीट हो, फटाफट से शेयर कर देना गाइज। सबसे पहले गाइज आपको दिखा देता हूँ आने वाले मार्च और अप्रैल के इलाइट पासेस में। सबसे पहला होगा हमारा मार्च का इलाइट पास। मार्च का इलाइट पास गाइज बेस्ड है एलिस इन द वंडरलैंड की थीम पे और ये आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे इसके जितने भी आइटम आने वाले हैं इलाइट पास के अंदर। गाइज जिसे नहीं पता मैं बता दूं, एलिस इन द वंडरलैंड की मूवी है 2010 में आई थी और गाइज ये पूरी फिक्शनल मूवी है, इसी से यार फ्री फायर ने कोलैब किया है और इसकी स्टोरीज वगैरह तो फेमस है यार, बच्चे को पता है। तो इससे फ्री फायर ने कोलैब किया, उसके बाद आपको ये इलाइट पास के अंदर इसके आइटम्स वगैरह देखने को मिलेंगे और इलाइट पास के बाहर भी इसके थीम पे बेस्ड आइटम्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। इन लोगों से एक्चुअली कोलैब नहीं किया है, इन्हीं के थीम पे बेस्ड गाइज ये लोग चीज़ें ला रहे हैं लेकिन एग्जैक्टली उन्हीं की कॉपी नहीं की है। अगर कॉपी की होती तो उनसे कोलैब किया होता लेकिन इन लोगों ने कोलैब नहीं किया। तो इसमें इमोट वगैरह तो आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन मेल फीमेल बंडल अवतार्स वगैरह लूट बॉक्स स्केटबोर्ड ये सब आपको देखने को मिलने वाला है। और गाइस का जो प्री ऑर्डर रिवॉर्ड होगा उसके लिए आपको 25K लाइक्स कंप्लीट करने होंगे तभी मैं आपको दिखाऊंगा यार। इसके बाद गाइस आपको दिखा देता हूं फटाफट से ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो हमारा अप्रैल का इलाइट पास। गाइस अप्रैल के इलाइट पास में गाइस आपको देखने को मिलने वाली है वही सब चीजें ऑफ कोर्स मिलती हैं हमेशा, एक गाड़ी की स्किन होती है, व्हीकल की स्किन, इसके साथ गन की एक स्किन मिलती है, इसके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होते, अवतार बैनर आपको मिलते हैं और भी कई सारी चीजें मिलती हैं। और ये जो चीजें यार इसमें मिलने वाली हैं ये बेस्ड है वैम्पायर की थीम पे। गाइस जितनी भी चीजें आने वाली हैं सब वैम्पायर की थीम पे बेस्ड है, पहले ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला, सिर्फ डायमंड रॉयल में एक बंडल आया था वैम्पायर की थीम पे बेस्ड और एक दो बार यार और भी जगह आ चुका है ऐसे हेलोवीन के टाइम पे हमें काफी चीजें देखने को मिली हैं, लेकिन इलाइट पास में गाइस ये सब आना बहुत रेयर है और इलाइट पास में इस बार ये लोग दे रहे हैं। ड्रेस यार उतनी अच्छी तो नहीं है, मतलब दिखने में काफी अच्छी है लेकिन यार जो कैजुअल वाली एक फीलिंग है ना वो मुझे अभी तक नहीं मिली किसी भी लाइट पास में। पर हाँ मेरे हिसाब से ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी है, वैम्पायर की थीम पे बनाई है तो ड्रेस का यार दिखना तो अच्छा था ही और मेल और फीमेल दोनों ही ड्रेसेस काफ़ी अच्छी हैं, और अच्छा हो सकता था। आप कमेंट करके बताना कि आपको ये ड्रेसेस कैसी लगी, मुझे तो ठीक ठाक ही लगी यार। तो ये सभी चीज़ें आपको आने वाले अप्रैल और मार्च के लाइट पास के अंदर देखने को मिलने वाली हैं। मार्च के लाइट पास के प्री ऑर्डर रिवॉर्ड कंफर्म हो गया, अप्रैल का नहीं हुआ, मार्च का मैं अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा, अप्रैल के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा गाइस। गाइस अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो फ्री फायर बहुत बड़े बड़े नामों से कोलैब कर रहा है रिसेंटली, जैसे कि मनी हीस्ट, इसके बाद ऋतिक रोशन जिसके नाम पे जय कैरेक्टर हमें देखने को मिला गेम के अंदर जो कि एक बहुत बड़े सुपरस्टार है इंडिया के, फैक्ट 4 जो कि थाईलैंड का एक बहुत बड़ा म्यूजिकल बैंड है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो यार वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर उनसे भी फ्री फायर ने कोलैब किया, इसके बाद हमें क्रोनो कैरेक्टर देखने को मिला, वन पंच मैन जापान की एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी और फेमस एनिमे सीरीज, और उसके बाद डेमन स्लेयर जो कि एक और जापान की एनिमे सीरीज है। अब गाइस फ्री फायर कोलैब कर रहा है स्काइलर से, कोबरा काई से और अटैक ऑन टाइटन से। स्काइलर वियतनाम के एक बहुत बड़े सिंगर है, पॉप सिंगर पॉप म्यूजिशियन है और गाइस के साथ बिजनेसमैन भी एक बहुत बड़े, तो उनका कैरेक्टर और उनके
उसके बंडल्स वगैरह उनके आइटम हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद गाइस कोबरा काय के तो बहुत ही ज़्यादा भरमार है, और फ्री फायर ने बिल्कुल जो मेन कोलैबोरेशन किया ना इस बार OB26 अपडेट में, वो कोबरा काय से ही की है, जो कि एक फाइटिंग स्टाइल भी है और साथ में इसके साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फ्री फायर के अंदर कोबरा से रिलेटेड हमें देखने को मिलने वाली, इमोट्स, बंडल्स और बहुत कुछ गाइस। और गाइस फ्री फायर ने एक और बड़ी कोलैबोरेशन की है, जो कि एक वर्ल्ड फेमस जापान की एनिमे सीरीज है अटैक ऑन टाइटन। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। सभी कोलैबोरेशन से यार फ्री फायर का तो नाम हो ही रहा है, साथ में आपका गेमिंग एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है, लेकिन ये जो ग्लिच वगैरह अगर आ रहे हैं ना ये लोग इससे हटा देते हैं तो गेम बिल्कुल यार साफ सुथरा हो जाएगा, और फिर तो इसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, इस गेम का कोई एंड होगा ही नहीं। लेकिन ये ग्लिचेस वगैरह भी दूर होने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें, ये सभी कोलैबोरेशन के आइटम वगैरह जो कि मैंने आपको बताए, स्काइलर, अटैक ऑन टाइटन और कोबरा काय के, आपको बहुत जल्द गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं और मिल भी रहे हैं। आने वाले वैलेंटाइन इवेंट के आइटम्स गाइस आपको दिखा देते हैं फटाफट से। सबसे पहले जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आने वाला बंडल होने वाला है, मेन बंडल है इस बार के यानी 2021 के वैलेंटाइन के इवेंट्स का। ये हमें फ्लिप इवेंट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ्लिप इवेंट के आने की यार पूरी पूरी गारंटी है इस फरवरी के मंथ की। अगर फ्लिप इवेंट में कोई और बंडल आ जाता है तो इट्स ओके, वरना हमें ये दोनों बंडल देखने को मिल जाएंगे आने वाले बिल्कुल नए फ्लिप इवेंट में वैलेंटाइन के टाइम पे। इसके बाद गाइस आपको आने वाले बिल्कुल नए जो आइटम्स देखने को मिलने वाले हैं वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा दिए थे। पिछली यार कुछ ऐसी वीडियो थी एक दो जिसमें मैंने आपको दिखाया था, तो वो जाके यार एक बार देख लेना, बार बार दिखाऊंगा तो हमारी पुरानी ऑडियंस को यार सही नहीं लगेगा। कटाना की स्किन और ये सभी आइटम्स आपको मिलने वाले हैं, और ये एक दूसरे सर्वर का कैलेंडर अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। जहां तक बात है रोज रिमोट की गाइज, रोज रिमोट आपको देखने को मिल जाएगा तो स्टोर में 600 डायमंड्स का, या फिर गाइज आपको मिल जाएगा वो आने वाले किसी भी इमोट पार्टी इवेंट में या किसी वेब इवेंट में, जहां तक मुझे लगता है अगर उसे वापस रिटर्न में दिया जाता है तो। और अगर रोज रिमोट आएगा तो हॉट रिमोट भी जरूर आएगा। फ्री फायर और कोबरा की कोलैबोरेशन के भी काफी सारे आइटम्स आपको देखने को मिलने वाला है, और जो वन ऑफ द मेन आइटम होगा वो होगी ये बिल्कुल नई इवोल्यूशन MP40, जो कि कोबरा की थीम पे बेस्ड रहेगी। इसके एट्रीब्यूट्स गाइस कंफर्म होते ही मैं आपको बता दूंगा, ये तीनों इसकी स्किन है इसके लेवल के हिसाब से। इसके बाद गाइस कोबरा के जो आइटम्स वगैरह हैं वो मैं आपको कल या परसों की वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। फिलहाल देख लो अपनी स्क्रीन पे गाइस, ये कोबरा का बंडल होने वाला है, इवोल्यूशनरी बंडल होगा ये, और इसके आप कलर वगैरह भी चेंज कर पाओगे। इसके साथ आपको इसके दो इमोट भी मिलेंगे, जो कि यार आप यूज कर पाओगे लॉबी के अंदर या गेम के अंदर। इसके साथ बाइक की एक स्किन का इसका एक इमोट होगा, जो कि यार आप खुद नहीं दिखा पाओगे, मतलब इस बंडल का एक्शन होगा खुद का। वो बाइक की एक स्किन भी आ रही है, जो कि यार कोबरा की ही थीम पे बेस्ड रहेगी। आपके प्रोफाइल में भी ये इमोट शो करेगा अगर आपके पास ये बंडल रहेगा तो। बंडल के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं गाइज, तो ये बंडल अभी एक मिस्ट्री है एक तरह से बोल सकते हो आप, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब एक इवोल्यूशनरी बंडल हमें गेम के अंदर देखने को मिलने वाला है। और इस बंडल के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, भले वो इमोट हो गया, कार वगैरह की स्किन्स हो गई, आइटम की स्किन्स हो गई, या जो भी हो। इस बंडल के ऊपर गाइस एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, और उसकी मैं बात करेंगे हम लोग डिटेल में कि इस बंडल के साथ साथ और भी क्या चीज़ें जुड़ी हैं। फिलहाल यार कोबरा की थीम पे बेस्ड जो बाइक की स्किन है वो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, जो इस बंडल के एक्शन में भी है। ये बाइक की स्किन रियल में आने वाली है, और ये आपको यार कौन से इवेंट में मिलेगी इसकी अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसका आना कन्फर्म है, क्योंकि ये कुछ फेक नहीं है यार, ये कोबरा की थीम है और इसी थीम के बेस्ड आइटम्स आपको देखने को मिलने वाले हैं गाइस बार। इसके बाद गाइस अटैक ऑन टाइटन के आइटम्स भी आपको दिखा देते हैं जल्दी से। ये जो ड्रेस देख रहे हो आप, एक अटैक ऑन टाइटन की थीम पे बेस्ड रहेगी, इससे फ्री फायर ने कोलैब किया है तो इसके बंडल्स वगैरह भी आने ही चाहिए, तो वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। जो हमारे स्काउट्स होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं जो लड़ते हैं टाइटन से, टाइटन्स की भी आपको ड्रेसेस वगैरह देखने को मिलेंगी, और इसके साथ जो सोल्जर्स हैं उनकी भी ड्रेस आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, मेल और फीमेल की। जो हमारे टाइटन्स होते हैं, जो हमारे विलन भी हैं उसमें और हीरो भी है, वो आप जब देखोगे तब पता चल जाएगा, तो उसकी भी ड्रेस गाइज आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। अटैक ऑन द टाइटन जो एक एनिमे सीरीज जापान की गाइज, इसमें जो हीरो होता है वो भी टाइटन बन सकता है, जो कि यार एक नॉर्मल इंसान से 10 मीटर 20 मीटर लंबा होता है और ख़तरनाक होता है, क्योंकि इंसानों को खाते हैं, बट ये ऐसा नहीं होता, ये अपने लोगों के लिए लड़ता है, एक टाइटन बन के एक टाइटन से लड़ता है। तो ये कुछ स्टोरी एनिमे सीरीज जाके ज़रूर देख लेना, साइमन हिलॉस से ऐसे कुछ नाम है एक वेबसाइट का, तो उस पर जाके देख लेना, वहाँ पर आपको यार फुल स्क्रीन पर बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएगा। तो इससे रिलेटेड भी आइटम्स आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस। वैलेंटाइन इवेंट के टाइम पर गाइस आपको एक डायनेमिक डुओ नाम के बंडल देखने को मिलने वाले मेल और फीमेल के, जो आप यार देखते होगे एक ऑप्शन होगा प्रोफाइल में जाके या फ्रेंड्स वाले ऑप्शन में जाके एक डायनेमिक डुओ का, तो वही दोनों बंडल गाइस आपको देखने को मिलेंगे। 9 फेब से गाइस आई थिंक हमारा वैलेंटाइन का इवेंट स्टार्ट होने वाला है, और उसमें आपको ये बंडल भी देखने को मिलने वाले हैं उन सभी वैलेंटाइन के आइटम्स के साथ। ये कौन से इवेंट में आएंगे कहना मुश्किल है गाइस, लेकिन हाँ ये 9 फेब से अवेलेबल हो जाएंगे, इतनी मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। और इसके साथ जो स्काइलर कैरेक्टर है वो उसका भी टॉप ऑफ इवेंट आपको काफी जल्द देखने को मिलने वाला है गेम के अंदर।
अंदर, और इसके जो आइटम्स है वो भी आपको इसके टॉप इवेंट के साथ साथ देखने को मिल जाएंगे। लास्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, बता देते हैं आपको एशियन स्कार्फ के बारे में, जो कि काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कमेंट कर करके। मतलब यार 1-2 हज़ार कमेंट आते हैं और उसके अंदर एटलीस्ट यार 50-60 कमेंट ऐसे होते ही होते हैं जिसमें लोग ये पूछते हैं कि हिप हॉप कब आएगा, एशियन स्कार्फ कब आएगा। तो गाइज ये सब दोबारा हमें देखने को नहीं मिलने वाला, खास करके हिप हॉप और एशियन स्कार्फ, क्योंकि ये पुराने एलाइट पास का एक पार्ट है गाइज। हाँ हिप हॉप आपको जरूर देखने को मिल सकता है, मैं नहीं कह रहा नहीं मिल सकता, लेकिन 1% चांस है उसकी कि दोबारा से कोई ऐसा इवेंट आ जाए जिसमें आपको पुराने एलाइट पास के बंडल दे दिए जाएँ। लेकिन एशियन स्कार्फ जो कि एलाइट पास का एक आइटम है, वो आपको देखने को अब बिल्कुल ना के बराबर मान लो कि मिलने वाला है, क्योंकि एशियन स्कार्फ यार एक आइटम है एलाइट पास का, कोई बंडल नहीं है जो दोबारा लोग उठा के दे देंगे। और मुझे नहीं लगता कि लोग किसी पुराने एलाइट पास का आइटम को दोबारा किसी इवेंट में उठा के दे देंगे, वरना कुछ भी रेयर नहीं बचेगा। इसीलिए कहते आपको ये सब देखने को अब नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ इसका जो डाउट है वो क्लियर करो, अपने दिमाग से हटा दो इन सब चीज़ें, जो नया मिल रहा है उसी में खुश रहो, और जो पुराने रेयर आइटम्स ये लोग दे रहे हैं दोबारा से उसमें खुश रहो। गाइस ये सब हिप हॉप वगैरह के पीछे मत पड़ो, ये सिर्फ उन लोगों के लिए और वही डिजर्व करते हैं जो कि इसे पहले से खेल रहे हैं। तो आप अगर नए प्लेयर आए हो, आप जितने भी अच्छे हो यार, आपको ये चीज़ें नहीं मिल सकती हैं, और अगर मिलती है तो गरेना की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन अब भी आप बिल्कुल मान के चलो कि आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलने वाली, खास करके एशियन स्कार्फ जो कि लाइट पास का ही एक पार्ट है। बाकी आपको और भी नए नए आइटम्स वगैरह और जो पुराने टाइम पे आए थे इवेंट्स में, वो सभी चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिल सकती हैं और मिली भी हैं, जैसे ब्रेक डांस है, आर्कटिक ब्लू वगैरह, ये सब आपको देखने को दोबारा मिल रहा है। तो इसी में यार खुश रहना चाहिए, बाकी इस सब के पीछे मत पड़ो गाइज। आज के लिए बस इतना ही यार, सब्सक्राइब कर देना, लाइक मार देना और शेयर कर देना। और गाइज हमारे गिल्ड में आप सभी जानते हो एक रोहित भाई नाम का एक प्लेयर है जो कि ग्रैंड मास्टर पर टॉप 1 या 2 पे है अभी, तो मैंने अभी चेक नहीं किया है, लेकिन टॉप 1-2 पे ही वो है और जो पहला वाला है उससे बस यार कुछ स्कोर पीछे है। तो प्लीज़ यार बंदे को जाकर सपोर्ट करो, उसका पहला चैनल हैक हो गया था तो दूसरा उसने बनाया है, जाके यार बंदे को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत से इतनी ऊपर जाते हैं लोग। सब्सक्राइब करके गाइज उसको भी बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि उसके एक्टिव ऑडियंस उसे मिले, और हमारा तो कर ही दो यार 1 मिलियन के बहुत करीब है। लाइक टारगेट 25,000 लाइक्स का है, तो कंप्लीट कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को जितना हो सके। कल यार एक और बिल्कुल खतरनाक सी वीडियो के साथ आपके साथ फिर से मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's